Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे. और आज है फ्राइडे. फ्राइडे मतलब छुट्टी का दिन, तो मतलब सब कुछ आज लेट लेट होगा. मतलब सुबह से सब कुछ लेट ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग लेट सोकर उठते हैं. संडे आके भी स्कूल जाने का टेंशन नहीं होता है, और जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं उनकी भी फ्राइडे छुट्टी होती है, इसीलिए हम लोग लेट से उठते हैं आराम से. और क्योंकि लेट से उठे तो लंच में भी लेट हो गया है. तो आज हम लोग बहुत सिंपल सा खाना खाने वाले हैं, चावल दाल और लाल साग. हमारे बिहार में तो बहुत फेमस है लाल साग को चने की दाल के साथ, काले चने के साथ, या फिर ऐसे ही प्लेन भी बनाया जाता है. वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत लोगों के घर में तो डेली साग बनती है. मैं अभी लाल साग बनाने वाली हूँ. क्या छुट्टी का दिन है तो सोचा है कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाऊँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है कुछ सामान लेने. सोच रही हूँ शाम में लंच के बाद कुछ ड्रिंक बनाकर हम लोग पी लें, उसके बाद जाएंगे. आज मैंने सोचा है ब्लू किरासो लेमोनेड बनाने का, उसकी वीडियो मैं अलग से अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी. हम लोग लंच कर लेंगे, उसके बाद उस वीडियो के लिए मैं ड्रेस भी चेंज करने वाली हूँ. वैसे इस बात का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसे ही जस्ट चेंज करने वाली हूँ. तो चलिए गाइस, अभी मैं बना लेती हूँ लाल साग, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ड्रिंक, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी. हर किसी का खाना बनाने का अपना एक स्टाइल होता है, तो मैं लाल साग कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा. इसके लिए मैंने एक प्याज लिया, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी. अब मैं लहसुन के दो कलियों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी. और मैंने एक मिर्ची ली है, इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी. इन सब की क्वांटिटी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप इसको कम या ज्यादा भी ले सकते हो. मैंने करीब 1 kg लाल साग लिया, इसको मैं अभी अच्छे से वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि खेतों में ये मिट्टी के टच में ज्यादा होते हैं, तो इनके पत्तों में मिट्टी काफी मात्रा में होती है. अगर हम इनको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना खाने के टाइम, फिर वो पता चलता है कि हमने इसको अच्छे से वॉश नहीं किया. अभी मैं साग को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको बारीक काट रही हूँ. अभी मैंने कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया. सरसों के तेल में बनाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. वैसे आप इसको अपनी पसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं. और इसमें मैं बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ. इसमें मैं साबुत जीरा प्याज डालने के बाद डालूंगी. अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज. कटे हुए लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन करना था, तो अगर मैं उसी टाइम जीरा डाल देती तो जीरा जल जाती, तो इसलिए मैंने उसको अभी डाला है. और अब मैं इन सबको भून लूंगी. अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक. नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप काली चने, इसको मैंने रात में ही पानी में भिंगो कर रख लिया था. और अब 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मैं इसमें मिलाऊंगी. वैसे तो बहुत लोग साग जब बनाते हैं तो सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे चना भी ऐड किया है तो थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ. और इनको 5 से 6 मिनट तक कम आँच पर भून लूँगी. अब 5 से 6 मिनट तक कम आँच पर भूनने के बाद मैं इसमें साग की पत्तियों को डालूँगी. अब मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साग खुद ही पानी छोड़ती है. जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि इसमें मुझे पानी ऐड करनी चाहिए तो मैं इसमें फिर पानी ऐड करूँगी. साग डालने के बाद मैं कढ़ाई को कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी. अभी 5 से 7 मिनट तक इसको कम आँच पर पकाने के बाद इसमें मुझे पानी देने की ज़रूरत है, तो मैं इसमें करीब 1 कप पानी डाल रही हूँ. और इसको अच्छी तरह से मिला के फिर से कढ़ाई को कवर कर इसे 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी. पाँच से सात मिनट तक पकने के बाद साग अच्छे से पक चुके हैं, तो हमारी लाल साग बन के रेडी है. यम्मी यम्मी ना 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 ये देखिए, देखने में बड़ा ही टेम्पटिंग और जबरदस्त दिख रहा है. ब्लू 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 एवरीथिंग ब्लू. आज ब्लू है पानी पानी एंड अ पीस ऑफ चेरी. Cherry is also appearing very tempting.
ये जो पुदीना की पत्तियां हैं, definitely good for health. आप मास्टर शेफ के जज नहीं हो. चेरी इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. इतना डिस्क्राइब कर रहे हो. पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप. कैसा है ये? बहुत एक्साइटमेंट में आवाजें निकल रही हैं और ये जो बातें निकल रही है ना, वो बहुत एक्साइटमेंट में निकल रही है. अब आप उसको रख दो टेबल पर. ये बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रखो रखो. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, निया को टेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लू लगून. हाय गाइस, रिको चैनल. देखिए गाइस, मैं वीडियोस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ. हाँ, अभी मैंने ड्रेस चेंज किया इसको बनाने के लिए. अभी मैं इसको पीने के बाद फिर से जाकर ड्रेस चेंज करूंगी और इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी. हाँ, तो ब्लॉग बनाने के लिए करना ही पड़ता है मेहनत. हाँ बिल्कुल, मैं मेहनत करने से कहाँ पीछे हट रही हूँ. मैं अपना काम किए जा रही हूँ. फल की चिंता मुझे नहीं है. अगर अच्छा काम करूंगी तो आज नहीं तो कल मेरे मेहनत का रिजल्ट मुझे मिलना ही है. बस देखिए, निया को भी पसंद आई है ब्लू लगून. निया भी एंजॉय कर रही है. व्हाट इज द कलर ऑफ जूस? ब्लू. मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, काफी रिफ्रेशिंग है ना. यस, मुझे भी पसंद है और निया को भी पसंद है. ना कोई भी नई चीज टेस्ट करने से पहले कम से कम एक दो घंटे राउंड लगवाता है लोगों को. आपको क्या लगता है, लोगों को पसंद आएगी ये? मेरे ख्याल से तो पसंद आनी चाहिए, बिकॉज मुझे पसंद आई है. निया को पसंद आई है. निया भी बहुत चूजी है, बट निया को अगर पसंद आई है तो ये डेफिनेटली अच्छी बनी है. हाँ, तो आप बोल दो लोगों को बनाकर जरूर ट्राई करने के लिए. हाँ बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग है. अगर आपके घर में पूल है स्पेशली, और या फिर आपके घर के आसपास बीच है तो घर से बनाकर लेके जाएंगे क्या ग्लास ऐसे हाथ में? वही मैं बोल रहा था कि सर्विस अपार्टमेंट काइंड ऑफ जगह पे अगर आप रुके हुए हैं तो ये बना सकते हैं और बीच पे लेके जा सकते हैं. अगर बीच पे ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्ट में बीच पे ही रहता है ना विलाज एंड ऑल, तो कहाँ ये बनाते रहेंगे? वहाँ पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ना. बट 5 मिनट में तो बन जाएगा. हाँ, ये बहुत जल्दी बन जाती है. और ऐसा कुछ भी नहीं कि बीच पर आपको जाने की जरूरत है या स्विमिंग पूल के पास बैठ के पीने की जरूरत है. घर में आराम से बनाइए, पीजिए और इंजॉय कीजिए. इसका जो मेन सिरप है ना, वो बना के ले जाइए बस, छोटे से बॉटल में. इतना छोटा सा बॉटल में मेन सिरप बना के ले जाइए. भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी. अगर यही चीज आप बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल से मंगाइएगा तो आपको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ेंगे. आई नो, तो वो कॉस्ट बचाने की कोशिश कर सकते हैं, प्लस घर में बना हुआ मिलेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ. चलो सही है. तो गाइस, हमें तो ये बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है. अभी हम लोग इसको आराम से बैठ के पीते हैं, एंजॉय करते हैं. और थोड़ी देर बाद अभी हम लोग जाएंगे बाहर. मुझे और अनिमेश को बाहर जाना है, थोड़ा कुछ सामान खरीदना है, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ये देखिए, नवनिया को सारे कुशन हटाकर सोफे पर से यहाँ पर रख दिया है. दोनों खूब मस्ती करते हैं. नव वहाँ पर कोने में छिप के क्या खा रहा है? देखिए, नव कोने में छिप कर खा रहा है भुजिया, और निया भी खा रही है भुजिया. अच्छा अनाया, निया, व्हाट इज योर नेम? नाया. व्हाट इज योर डैडीज नेम? अमिनी. व्हाट इज योर मम्मीज नेम? जत्ता. व्हाट इज योर दादीज नेम? तो गाइज, ये मैंने अभी मंगवाया है. ये तंदूरी चिकन और ये है चिकन बिरयानी. तंदूरी चिकन. या चिकन.
सैलड, रायता चटनी, तो गाइज अभी हम लोग वापस आ गए हैं, तो अभी आपसे मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9। आए तो बहुत देर पहले थे और आज कुछ घर का खाने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, तो वो अभी आ गया है। तो अपने इस वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।